बहुत बहुत स्वागत है गेमर भाइयों आपके अपने चैनल में गेमर भाई विशाल में। आज हम लेके आए गेमर ये क्या बोल लो यार बीजीएम एक और वीडियो और अपना टीममेट है ये पता नहीं टीममेट है बेट नहीं थी पता नहीं इसे भाई साहब मैंने इतने लटके झटके दिखाई है एक बीच गेम में पता नहीं इसे क्या हुआ इतने मेरे टैलेंट देख के इतना खुश हो गए भाई। अब देख मैं तो हमने से टैलेंट ले बंदा मैच छोड़ के भाग गया क्या और भाई अब मेरी यहाँ फट रही थी ड्रिप वैसे ही अपने सिंगल में ही बंदे नहीं मरते हैं डुओ में ऐसा चल जो जो उतर जाता जो जो उतर कर देखा था भाई दो दो तीन तीन स्क्वाड इकट्ठे होते थे मेरी और फट गई। मैं सोचा घर पे उतरते फटाफट गन वन लेके यहाँ से भाग जाएंगे तो इसलिए फटाफट उतर रहा था आगे पर पीछे गिर गया इसे क्या कहते हैं जो भी है इसलिए फटाफट अंदर घुसा अपनी गन वन देगी यहाँ पर देख रहा था कोई गन दिख ही नहीं रही मेरे को यार फिर थोड़ा आगे ढूंढ रहा था लकली मेरे को ये मिल गई है चाकू वाली गन पता नहीं कौन सी है फिलहाल इसमें भी गन तो थी इसलिए बाहर बहुत ज़्यादा फायरिंग वगैरह भी हो रही थी तो मैं ही अपना आराम से रुक गया थोड़ा आजू बाजू देखा आवाज़ आ रही थी काफ़ी ज़्यादा आसपास बंदे थे इसलिए मैं सेट आया बंदा बिना गन के आ रहा था यार वैसे मारने के ले गया जब तक इस पर एम लेते हैं बंदा इस हाउस के पीछे ही चला गया फिर मैं अंदर आया तो मारने के लिए कि अंदर ही आएगा कहाँ जाएगा ये गन के लिए और यहाँ आया बंदा गुजर इस बंदे को बेचारा पिस्टल भी नहीं किया पिस्टल से बंदे ने सही डैमेज दे दिया था फिलहाल इसे हमने मार दिया था इससे थोड़ा लूट लिया था पहले फिलहाल हेल्थ रही थी अपने पास में यहीं बैठ गया था एनर्जी ड्रिंक थी हेल्थ के नाम पे तो यही लगा ली मैंने और फिलहाल लगातार आजू बाजू से काफ़ी फुटप्रिंट आ गए थे मतलब आसपास बंदे थे इसलिए मैं थोड़ा छुप छुप के खेल रहा था लगातार ये भी लकली बिना गिन के बेचारा घूम रहा था ये मेरे पास मरने के लिए चलाया था फिलहाल इसे भी मार दिया था और बाहर से लगातार फायरिंग हो जा रही थी इसलिए मैं यहाँ आगे साइड आ गया मतलब यहाँ आके ढकने की कोशिश कर रहा था बंदे लड़का रहे हैं आवाज़ तो लगातार थी पर बंदे नहीं दिख रहे थे मेरे को यार थोड़ा देर कोशिश की पर बंदे और भी नहीं दिख रहे थे चलो मैं थोड़ा और बाहर आया तब भी नहीं दिखे तभी ये बंदा मेरे को हल्का सा दिखा अभी नहीं दिखा आपको मेरे को भी दिखा था अब जब गोली चली तभी बंदा दिखा था मेरे को टाइम पर मेरा ये सिक्स हो गया था यार और उठाया था मुझे ये भी गया फिलहाल इसे हेडशॉट लग गया था ये नहीं मर गया था ये भी बहुत फटाफट यहाँ पर आ गया और भाई यहाँ पे मैंने बहुत ही मतलब डर डर के लूटा किसी तरह से कोई कोई ऊपर वाल कंटेनर से फायरिंग ना कर दे इसलिए बड़े ध्यान से मैं यहाँ से लूटा और लूट के वापस अंदर आ गया था इससे मुझे हेल्थ वगैरह मिल गई थी अपनी हेल्थ रिकवर की क्या बोलता है रिकवर करके अपना आगे जाने का इरादा था जो इधर में आया ये क्रेन जो है इसके पास मैं सोचा था ऊपर चढ़ने के लिए पर सोच ऊपर देख रहा था मैं कोई ये ना क्रेन वेन पर चढ़ाओ मार दे फिलहाल क्रेन पर तो कोई था नहीं इसलिए फिर वहाँ से मैं और आगे निकल आया निकल के मैं इधर आ गया था यहाँ पे जो रिकॉल टावर होता है ना इसके आसपास कि शायद बंदे मरे तो यहीं पे आए होंगे पर स्कोप से देखा मैंने कोशिश की तो मुझे कोई दिखा नहीं वहाँ पे सही बताऊँ तो फिर अपना यहाँ से हम जाने लगे क्योंकि यहाँ कोई था तो नहीं यहाँ से बग्गी उठाई बग्गी उठा के जाने लगा अपना मैं फिर बग्गी लेके मैं यहाँ पे आया था स्कूल के पास से यहाँ से पार करने के लिए और बच पता नहीं क्या अचानक मेरी गाड़ी है कुछ ज़्यादा स्टेयरिंग मुड़ गया और ये यहाँ अटक गया और अच्छा अटक गई क्योंकि सामने देखो सामने भाई एक बंदा है या बोट है पता नहीं फायरिंग किया तब मेरे पास ध्यान नहीं आया इसे भी आसानी से मार दिया फिलहाल इसे मार दिया स्नोक हुआ था मरा नहीं था पर कोई बात नहीं इसे भी मार दिया था यहाँ से हमने और यहाँ से लूट के हम इससे लूट लेके फिर अपने सफ़र पर चले फिर यहाँ से मैं आगे तो रोजोक की जो पहाड़ी है इधर की यहाँ शायद ज़्यादा बंदे मिल जाते हैं तो यहाँ पे मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई मिले मेरे को आजू बाजू और कहीं से कोई आवाज़ नहीं कोई फायरिंग नहीं तो मुझे यहाँ पे यार कोई मिला नहीं सही बताऊँ तो बड़ी उम्मीद से आया था पर कोई मिला नहीं था इसलिए मैं गाड़ी उठाई स्कूल की तरफ जा रहा था पर सामने देखो ड्रॉप गिरने लगी तो ड्रॉप की तरफ जाने लगा ड्रॉप उसके बाद में ड्रॉप का पीछा करते करते यहाँ आ गया देखा कि आसपास बंदे होंगे पर ड्रॉप पे होंगे खाली खाली ड्रॉप थी तो भाई यहाँ ड्रॉप के पास आ गया ड्रॉप लूटी लूट ड्रॉप से मेरे को मिल गई AWM उठा ली मैंने लेने के बाद यहाँ से हम आगे जाने लगे कि स्नाइपिंग करेंगे सॉरी फिलहाल बाकी लेकर मैं यहाँ आया मुझे कुछ मिल रहा था नहीं तो इसलिए यहीं पे सोचा थोड़ा सा होल्ड करने के लिए थोड़ी देर होल्ड करूँ यहाँ से कोई बंदे मिले तो स्नाइपिंग वगैरह करेंगे पर बंदा खैर यहाँ पे कोई मुझे मिला ही नहीं
काफ़ी देर भटका मेरे को, कोई मिला तो था, तो फिर अपना क्या गाड़ी बग्गी उठाई, यहाँ से जाने लगे हम। काफ़ी देर ढूंढा था मेरे को, यहाँ कुछ मिला ही नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अपना यहाँ से निकलते हम। देख रहे मतलब बंदे पता नहीं कहाँ है, भगवान जा रहे। फिर यहाँ से बग्गी उठाई और चलने लगे हम अपना इधर, मंटा से निकल लिए थे। इसके बाद हम जा रहे थे फार्म के साइड जाते हैं। तो मैं इधर इन पहाड़ियों पे आया, इन पहाड़ियों से यहाँ पर दो ये दिशे घर जो है पहाड़ियों में, मैं सोचा है देखो शायद कोई मिल जाए मेरे को स्नैपिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे अपना थोड़ा हाइट पे गया, हाइट पे जाके देखेंगे। खैर मैंने यहाँ स्कोप खोला, बस स्कोप से खैर मुझे कोई दिखा नहीं, तो थोड़ा और आ गया। फिर इसको खोला तो देखा तो तभी भाई ये बंदा बाहर आया। मैं सोचा इस पर जो शॉट लेता, जो एक शॉट लगा ऐसे मिस हो गया, और मिस होते के साथ इतने में यहाँ ये भाई साहब बोट इतनी गलत टाइम पर आया भाई, कुछ होगा। इसे तो खैर फिनिश कर दिया मैंने, इसे फिनिश करके दोबारा देखने लगा वैसे भी मिलेगा। अगर देखो अगर दूसरा बंदा दिखा, पर साइड पे एक बंदा देखो वो भाग तो अंदर जा रहा, ये दिखा मेरे को। सोचा चलो ये एक तो है, इसे मारेंगे। तो इसे यहाँ से कोई एंगल ढूंढ रहा था, मुझे एंगल मिला नहीं, एंगल मिल नहीं मिला था। फिर भागते रहते कोई इधर आगे आना पड़ेगा, यहाँ से कोई शायद एंगल मिल जाए। फिर मैंने घर पर देखा कि है या नहीं है कोई, तभी वो मतलब दिखा होगा अंदर हल्का सा। ये देखो भागता दिखा अंदर अंदर, सोचा से मारूंगे। फिर भाई दोबारा इसी जगह फिर बोर्ड से बंदा पता नहीं क्या डैमेज कर लिया है, इसे भी फिनिश कर दिया मैंने यहाँ से। फिनिश करके भी हेल्थ तो पूरी कर रहा था, कि काफ़ी हेल्थ नहीं चली गई थी। और ये बंदा देखो ये भागता हुआ जोन के अंदर चल जा रहा था, शॉट लेने की कोशिश की, कैसे शॉट लगाई। उसके बाद दोबारा देखा भाई ये बंदा कहाँ, ये पेड़ आगे सामने पेड़ जो है उसकी वजह से भाई मेरा व्यू ब्लॉक हो गया पूरा, और वो बंदा मेरे को दिखाई नहीं। काफ़ी देर देखा पर मिला ही नहीं मेरे को, पता नहीं कहाँ चला गया था। ऊपर से फिर रेड जोन भी आ गया था, तो हमने फटाफट अपनी बग्गी उठाई और यहाँ से निकल लिए। हम शेल्टर के पास से निकले थे, इधर गाड़ी खड़ी थी, तो यहीं पत्थर के पास आके रुक गया क्योंकि बगल में ड्रॉप में गिरी पड़ी थी। सोचा शायद ड्रॉप के पास बंदे होंगे, तो देखते हैं स्नैपिंग करते हैं। फिलहाल यहाँ ड्रॉप पे ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे कोई बंदा यहाँ पे दिखा नहीं। और भी मैं सारे में मतलब देख रहा था कि कहीं मिल जाए, चारों तरफ घुमा दिए मैंने, पर कोई मेरे को दिखाई नहीं है। उसके बाद बंदों की तलाश से मैं धीरे धीरे ये आगे जो क्या कहते हैं बिल्डिंग सी जो है इसकी तरफ मूव करने लगा धीरे। अभी जाएंगे फिलहाल, मेरा बीच में कॉल आ गई थी तो मेरे को यहीं रुकना पड़ा, और भाई जो छोड़ने की देर थी इतने में भाई साहब पता नहीं कहाँ से ये बॉट महाराज प्रकट हो गए। फिलहाल इधर हमने मार दिया था इसकी, इससे कोई खास लूट तो मिली नहीं थी, पर ठीक है। फिर इधर आ गया बिल्डिंग के पास, उधर से फायरिंग होने लगी। तो फायरिंग मैं देख रहा था भाई कौन है बंदे, तो एक बंदा मेरे को पहाड़ी से नीचे आता हुआ दिखा पेड़ के पीछे, पर जब तक सूख गया थोड़ा और फोकस किया, ये बंदा और दिखा मुझे धर जा रहा था, वैसे मैं धर लिया भाई, ये बंदा फिनिश हो गया। फिर दोबारा मैं दूसरे बंदे को देखने की कोशिश की भाई वो कहाँ गया, उसे ढूंढ रहा था कि एक तो मार गया दूसरे को भी मार लेते, पर वो बंदा फिलहाल उसे तो मार दिया था, और दूसरा जो बंदा था वो गायब हो गया था। बाकी बंदे इस टाइम पे पाँच चार बंदे बच रहे थे, तो भाई उसमें ढूंढ रहा था जिसमें से एक बंदा मैं ही था, तीन बंदे बच रहे थे। तो चारों तरफ मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे कोई दिख रहा था नहीं यहाँ से। फिर मैं इधर ये गाड़ी खड़ी थी इसके पास आ गया जहाँ पे था, और यहाँ वो कहते हैं यार ड्रॉप भी गिरी थी, तो पता नहीं किसने मंगाई प्लान भी थी, यहाँ पे कुछ फ्लेवर तो चली नहीं। फिर मैं और बंदे देखने लगा कि तीन ही बंदे बचे, ढूंढने की कोशिश किया था पर फिलहाल कोई बंदे दिख रहा था नहीं, इसलिए मैं अभी होल्ड के इधर पेड़ के पास आया था, क्योंकि ऊपर से फायरिंग हुई थी, तो साइड पे देखने की मैं देख रहा था शायद बंदा दिख जाए यहाँ से। फिर बंदा तो मेरे को दिख नहीं रहा था भाई, फिर
एक और ड्रॉप देता भी बहुत सारे वोट मेरे पास ही आएंगे यार। अब तो कम से कम बंदे आने लगे यार। फिलहाल मेरे यहाँ 10 किलो का तो एक ही बंदा बचा था, वन वर्सेस वन ट्राई किया था, और वो बंदा कहाँ था उसका मुझे कोई अंदर नहीं। मेरा थोड़ी बहुत डायरेक्शन थी कि ऊपर से फायर हुआ तो वो उसी साइड कहीं होगा। फिलहाल मैंने नेट कर लिया था, वो बग्गी सी खड़ी थी, लग रहा था बग्गी ही बन गया था, लग रहा था कि बंदा आया और वो बंदा था नहीं वहाँ पे। तो फिलहाल मैं कोई अपना चार तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहा था भाई बंदा है कहाँ है, वो मेरे को मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पे इतनी देर खड़े बाद समझ में आ गया भाई यहाँ पे बंदा होगा भी तो मिलना है नहीं, मेरे को जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो वही देखते देखते भाई मैं यहाँ से आगे की तरफ मूव करने लगा कि भाई सेट से ही फायरिंग आई थी तो यहाँ से शायद मेरे को दिख जाए बढ़िया से। फिलहाल दिख रहा था नहीं, मैं बग्गी के पास भी आ गया दोबारा पूरा रोटेशन मार के, बंदा मेरे को अभी भी दिख रहा था। और सामने पेड़ के पास ड्रॉप भी गिरी थी शायद वहाँ पे वो, फिर इस पेड़ के पास आ गया शायद ड्रॉप के पास ही बंदा हो तो मैंने ऐसी मतलब बंदा दिखा नहीं था, मैंने रेंडमली एक नेट फेंक दिया कि आस पास बंदा हो तो दिखेगा। फिलहाल वो बंदा वहाँ से भागता हिलता हुआ दिख गया सामने कि वहाँ फायरिंग की वजह से कोई बुलेट लगी नहीं। मैं तभी सोचने लगा तो ये दोबारा उसे देखने लगा, मेरे को दिख भी गया वो खुली नोट में ऐसा AMW से मारेंगे तो यहाँ अपना थोड़ा एम लेने की कोशिश कर रहा था और यहाँ बंदा दिखा निकल गया विनर विनर चिकन डिनर। पहला डुओ के साथ भाई मेरा पहला चिकन डिनर है। डुओ तो नाम गया था कि प्लेयर तो पहले ही भाग गया था मेरा, तो कोई नहीं मैच भी अच्छा था तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। तो चलो जब तक मैं चलता हूँ आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय टेक केयर। और इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल में पहली बार आया तो भाई से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ये बाय।